इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर बनाया, लेकिन यहां भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस कोविड सेंटर में डॉक्टर्स हैं, सभी उपकरण हैं, बेड्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी यहां पर है। डॉक्टर रविकांत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रविकांत, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? यहां सब कुछ है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऑक्सीजन की कमी केवल यमुना इसमें नहीं, सारे पूरी दिल्ली में ही है। और इसी कारण से जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस संस्था, जो चार यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ विलेज स्टेडियम, सहनाई बाग और रोज एवेन्यू, सारे जगह पे शॉर्टेज है और बाकी दूसरे सेंटर्स पे भी शॉर्टेज है। एंड मैं यहाँ नई बात जो मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर से जो कनेक्ट होता है वो कनेक्टर, कनेक्टर के साथ वो ट्यूबिंग, पाइप, ह्यूमिडिफायर, वो सारे चीज की जरूरत है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये जल्द से जल्द, अगर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी और दूसरे कंट्री से जो है ना इंपोर्ट करके, और ये तो कुछ घंटों में आ सकता है अगर किसी बगल की कंट्री में ये सब चीजें अवेलेबल है तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। दूसरा, एक और जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से, हम लोगों ने एक आज ही जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो खरीद रहे हैं, इनफैक्ट ऑर्डर भी बुक कर दिया है। वो पीएसए बेस्ड टेक्नोलॉजी से चलेगा, जो कि डायरेक्ट हवा से जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके देगा। और हमारी कोशिश है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर में वो प्लांट हम कॉमनवेल्थ गेम स्टेडियम में एटलीस्ट लगा दें, ताकि हमको पड़े। सॉरी, कितने घंटे की ऑक्सीजन बाकी है सर? अभी घंटे का क्या मीन्स, आज तो हम लोग चला लेंगे, बट अगर कल नहीं आया तो फिर बहुत प्रॉब्लम में हम लोग पड़ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो डॉक्टर रविकांत सिंह हमें बता रहे थे कि बहुत ही जल्द शॉर्टेज होने वाली है, आज का दिन कैसे तैसे चला लेंगे लेकिन कल से क्राइसिस वहां हो जाएगा। गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल से भी ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आ रही है, वहां की खबर देंगे बस 5 मिनट के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।